बॉलीवुड में भले ही स्टार किड्स को फिल्में मिलने में आसानी होती है, लेकिन फिल्म मिलने के बाद उसे खुद से, जी हाँ, अपनी एक पहचान बना पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कई बार इस काम में काफ़ी साल लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बॉलीवुड के ही मैन और ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल के साथ। जी हाँ, ईशा ने कई अच्छी फिल्में दी, लेकिन अपने पिता धर्मेंद्र और अपनी माँ हेमा मालिनी की तरह वो अपना नाम नहीं बना सकी। वहीं 17 सालों बाद धर्मेंद्र ने कुछ ऐसा कह दिया कि ईशा देओल इमोशनल हो गई और इस बात को खुद ईशा ने अपनी तरफ से बयां किया। ईशा ने शादी के 7 साल बाद एक्टिंग में फिर से वापसी की। इसी साल फरवरी महीने में उनकी एक शॉर्ट फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, जिसका नाम है केक वॉक। इस शॉर्ट फिल्म में ईशा को जबरदस्त तारीफें मिली और तो और इस फिल्म को कई अवार्ड भी मिले। ईशा को हाल ही में डिजिटल अवार्ड एंड एसोसिएशन आइकॉन का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। अपनी सफलता से ज्यादा ईशा किसी और बात को लेकर खुश है। दरअसल ईशा के पिता और अभिनेता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में जाए। इसका जिक्र हेमा मालिनी ने अपनी किताब में किया है। धर्मेंद्र इतने नाराज थे कि उन्होंने ईशा से 6 महीने तक बात नहीं की। आज तक धर्मेंद्र ने ईशा की कोई फिल्म भी नहीं देखी है। ईशा ने साल 2002 में कोई मेरे दिल से पूछे फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। वहीं 17 साल बाद धर्मेंद्र ने न सिर्फ ईशा की फिल्म केक वॉक देखी, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम फिल्म और बेटी की तारीफ भी की। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।